डिस्क्लेमर, हम बात और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का जोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्य के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, हर एक मुसलमान पूरी दुनिया में सिर्फ इस्लाम का राज चाहता है, पूरी दुनिया में इस्लामिक कानून यानी शरिया लाना चाहता है। मुस्लिम स्कॉलरों का मानना है कि इस्लामिक कानून से गलत काम बंद हो जाएंगे। ये लोग बड़ी शान से कहते हैं कि इस्लामिक कंट्री में रेप जैसी घटनाएं नहीं होती हैं, जबकि है इसका उल्टा। इस्लामिक कंट्री में घर के रिश्तेदार ही रेप जैसी घटनाओं को अंजाम देते हैं, पर एक महिला को रेप साबित करने के लिए जिन सबूतों की जरूरत होती है वो सबूत कभी हासिल नहीं हो पाते हैं और उल्टा उस महिला को ही दोषी बनाकर सजा दे दी जाती है। इसलिए वहां की महिलाएं रेप जैसी गंभीर घटना को भी बर्दाश्त करने के लिए मजबूर हो जाती हैं। इन मोमिनों को शरिया के बारे में कुछ भी पता नहीं है, फिर भी शरिया की मांग करते हैं। जिस देश में पूरी तरह शरिया लागू हो जाएगा वह देश पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। समीर भाई, मेरा टॉपिक ये है कि आज से कुछ टाइम पहले अप्रैल में आपके मोहम्मद फहीम नाम के एक मुसलमान ने एक 4 साल की छोटी पड़ोस की बच्ची का रेप किया, ब्रूटली रेप किया, उसका ब्लड शक किया, उसको कत्ल कर डाला और उसको हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने अभी फांसी की सजा सुनाई है 73 दिन के ट्रायल के बाद। अगर ये आदमी आपके इस्लामिक शरा के अंदर होता तो इसको क्या सजा और कैसे दी जाती, ये मेरा सवाल है भाई। ये तो आपको मिल जाएगा ना, तो उसको पता नहीं कोड़े पड़ते हैं क्या होता है, उसको मार दिया जाता है, ये क्या होता है जी? वो सजा तो बिल्कुल यही है कि या तो उसको कोड़े लगाए जाएंगे, अगर वो वर्जिन है, अगर उसकी शादी नहीं हुई भी है तो उसको कोड़े लगाए जाएंगे, और अगर उसकी शादी हो गई है मतलब वो सैयब है या फिर उसका डाइवोर्स हो गया या उसकी बीवी मर गई, व्हाट्सएप वाले कहने एक बार भी अगर उसका निकाह हो गया तो वो शख्स को जो है वो संसार किया जाएगा, जमीन में गाड़कर पत्थर मारे जाएंगे। मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो सजा दी जाएगी किसी भी इंसान को, रेपिस्ट को या जिनाकार को, ये उसका जो गुनाह है वो साबित कैसे होगा भाई इस्लामिक शरा में? साबित क्या मतलब? जैसे कि हमारे यहाँ कोर्ट में तो सुनवाई होती है, गवाह देखे जाते हैं, मेडिकल रिपोर्ट देखी जाती है, विटनेस देखे जाते हैं, इस्लामिक कानून में क्या तरीका है किसी के गुनाह को कंफर्म करने का कि इसने गुनाह किया है कि नहीं किया है? बताएं सर, कैसे होगा सर उसका गुनाह साबित? वो जो मेरे ख्याल से होता है गवाह होते हैं, गवाह लाने पड़ते हैं। कितने गवाह चाहिए? 3 होते हैं, 4 होते हैं। 4 मुसलमान गवाह होने चाहिए और मर्द 4, राइट? जी, इधर तक मुझे पता है। ओके, अगर किसी ने एक बच्ची का रेप किया, उसके घर में या उसको किडनैप करके अपने घर में ला के एक बच्ची का रेप किया और उस रेप के जो है 4 मर्द मुसलमान ऐसे गवाह नहीं हैं जो ग्राफिकली डिस्क्राइब कर सकें, बता सकें कि उसने रेप किस तरीके से किया, तो उसको लड़की को इंसाफ कैसे मिलेगा भाई? यार ये इतनी नॉलेज तो नहीं है कि होता है और कैसे होता है। तो भाई अगर आप लोगों को नॉलेज नहीं है तो आप लोग हिंदुस्तान में यूसीसी को अपोज करके इस्लामिक शरिया को क्यों मांगते हो? जी हिंदुस्तान से हो आप, पाकिस्तान से हो, कहां से हो आप? जी मैं हिंदुस्तान से नहीं हूँ। इंडिया हो या पाकिस्तान हो, कानून शरीयत के हिसाब से अगर कोई बंदा जिना करते हुए या रेप करते हुए, रेप किया या जिना किया, अगर किसी ने देखा तो उसको 4 गवाह लेके आना है, अपने अलावा 3 और। अगर 4 गवाह ना मिलेंगे, अगर 4 गवाह मिसाल के तौर पे मान के चले कि आपने किसी बच्ची का या किसी लेडी का रेप होते हुए देखा या जिना करते हुए किसी को अपने कर दो ना। अरे भाई साहब, मैं आपकी बच्ची नहीं बोल रहा हूँ, किसी और को आपने देखा, ठीक है जी, ठीक हो गया, किसी ने किसी को देखा। हाँ, तो आप क्या करेंगे सर वहाँ पे? क्या चीज़ें आप क्या करेंगे? आपने अगर किसी को जिना करते हुए या रेप करते हुए आपने देखा तो आप क्या करेंगे? मैं जाके पुलिस में रिपोर्ट लिखवाऊंगा। अगर आपका यहाँ कानून शरीयत नाफिज है तो आप अगर जाएंगे पुलिस में रिपोर्ट लिखाने के लिए तो आपने अकेला देखा, आपके साथ किसी और 3 ने नहीं देखा,
तो आप जब रिपोर्ट लिखाने जाएंगे सर, तो आपको ये किया जाएगा कि आपको बोला जाएगा कि एक काम करो, आप 3 गवाह और लेके आओ, आपके पास है, आप बोलेंगे कि नहीं भाई मैंने अकेले देखा, तो पुलिस जो है ना वो आपको 80 डंडे लगाएंगी सर, कानूनी शरीयत के हिसाब से। अच्छा, पुलिस आपको, जिसने रेप किया उसको नहीं, आपको 80 डंडे लगाएंगे सर। 98% मोमिनों ने पूरी कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ा तक नहीं होगा, सिर्फ मुल्ला और मौलवियों से सुनी सुनाई सुगर कोटेड बातें ही जानते हैं। जिन्हें शरिया के बारे में तिनके भर का इल्म नहीं है, वो लोग शरिया की मांग करते हैं। उन्हें नहीं पता शरिया लॉ उनकी माँ बहनों की जिंदगी को किस गर्त में धकेल देगा। अच्छा, मुझे ना ये हदीस दिखा दो ना मुझे पहले। ये इस्लामिक शरा में, ये हदीस में नहीं है भाई, ये इस्लामिक शरा है। हदीस की बात अभी नहीं हो रही, हदीस में भी आपको दिखा देंगे, तफसीर में भी दिखा देंगे, लेकिन अभी आपसे इस्लामिक शरा पे बात हो रही है। नहीं, मैं तो कुरान और हदीस पे बात करने आया हूं ना। शरा क्या है फिर? नहीं, जो आपने अभी हदीस बताई ना कि कोड़ों से मार, मैं कह रहा अरे वो दिखाएंगे आपको, वो दिखाएंगे आपको, हदीस भी दिखाएंगे, तफसीर दिखाएंगे। मैं कह रहा हूँ शरा क्या है, शरा को नहीं मानते आप? नहीं, मानता हूँ, लेकिन पहले मैं तो फिर जब शरा को, हाँ तो जब, ओके ओके, होल्ड ऑन, जब आप शरा को मानते हो तो शरा के बारे में नॉलेज है आपको कि नहीं है? नहीं है ना, इतनी नॉलेज नहीं है मैं कुरान मुफ्ती तो मैं ओके तो फिर आप लोग जो है, जब आपके पास शरा की नॉलेज नहीं है तो बगैर जाने आप शरा की डिमांड क्यों करते हैं? क्या डिमांड की है? आप पाकिस्तान में मुकम्मल शरा कानून नहीं मांगते? मैंने तो नहीं किया अभी। अरे तुमने नहीं की है, तुम नमाज पढ़ते हो? जी जी। कितने टाइम की पढ़ते हो? 5 वक्त की होती है ना। कलम बंद पढ़ते हो रेगुलर रोजाना? एक भी कजा नहीं करते? नहीं, हो सकते हैं कजा। अगर आप नमाजें कजा कर देते हो तो क्या नमाज छोड़ना मुसलमान का काम है? तो आप छोड़ रहे हो तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि नमाज अब जो है कजा करना लीगल हो गया, अलाव हो गया। तो अगर आपने इस्लामिक शरा कह रहे हैं कि मैंने मांग नहीं की है, तो आपने मांग की नहीं है तो क्या इस्लामिक शरा को मांगने वाले खत्म हो गए क्या? हमारे तो हिंदुस्तान में भी इस्लामिक शरा को मांगते हैं लोग। यूके में आप लोगों को शरिया कानून चाहिए, ऑस्ट्रेलिया में आपको शरिया कानून चाहिए, अमेरिका में आपको शरिया कानून चाहिए, सारी दुनिया पर तो शरिया ना, सारी दुनिया पर, सुनिए, सारी दुनिया पर आप मुसलमान शरियाई कानून का नाफिज करना चाहते हो। मुझे ये तो बताओ कि आपके उस शरियाई कानून में एक रेप विक्टिम बच्ची को इंसाफ कैसे मिलेगा? ओके चले, मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ, उसके बाद मैं एक तफसीर दिखाऊंगा और हदीस दिखाऊंगा, ठीक है? पहले ये वीडियो सुने, या ये आपके असीम अल हकीम क्या कह रहे हैं? मैरिड इन देयर लाइफ दे आर कंसीडर्ड टू बी वर्जिन्स इवन इफ दे कमिटेड अडल्ट्री और फोर्निकेशन मेनी टाइम्स स्टिल दे आर स्टिल क्लासिफाइड एज वर्जिन बिकॉज इन इस्लाम वी हैव वर्जिन एंड वी हैव थैयब। ए थैयब इज a woman, usually a person who is either married, has been married, whether divorced, widowed, or still married. He's considered to be kedi to pagal main nahi hu, pagal tum ho, kyunki tumne ab tak shariai manual ko padha hi nahi hai, isliye tum ye bakwas baat kar rahe ho कि सीसीटीवी है, फोन है, टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हो। इस्लामिक शरा में गधे, तुम टेक्नोलॉजी का यूज नहीं कर सकते। और ये जो तुम्हारा मौलवी है ना, ये तुमको अभी क्लियरली बताएगा कि तुम कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। 2 मिनट के बाद यही कमेंट जो है ना, समीर की जगह अपना नाम लिख देना वहां पर। इन इस्लाम इफ अ वर्जिन कमिट्स फोर्निकेशन एंड दैट पर्सन ही और शी आर कॉट और इज कॉट रेड हैंडेड, and red-handed means that 4 male Muslim witnesses saw the actual act and they can graphically describe what they had seen. यहाँ पर एक बात खास जोर देकर कही गई है कि गवाहों का मुस्लिम होना बहुत जरूरी है, गैर मुस्लिमों की गवाही नहीं मानी जाएगी, चाहे हजारों गैर मुस्लिम गवाह क्यों ना हो। इनके यहाँ रंगे हाथों पकड़े जाने का मतलब ये है कि 4 मर्द मुसलमान गवाह ने एक्चुअल एक्ट होते हुए देखा हो और वो उसको ग्राफिकली डिस्क्राइब कर सकते हो कि उन्होंने क्या देखा हो। बेसिकली पेनेट्रेशन, यानी कि उसका जो उजवे तनाजुल है मर्द का, वो औरत के गड्ढे में जाता है और बाहर आता हुआ देखा हो।
specifically in detail, or a person confesses. So it's one of the two. We don't yeah, confess kare. Refer to DNA. We don't believe in video footage. केडी इस मौलवी को और इसकी वीडियो को अपनी तस्वीर में डाल ले क्योंकि ये कह रहा है वी डोंट बिलीव इन डीएनए वी डोंट बिलीव इन वीडियो फुटेज तो तू अपना फोन अपनी पॉकेट में डाल के रख और तू अपना सीसीटीवी भी अपने पिछवाड़े में डाल ले ये मानते ही नहीं है वीडियो फुटेज को ना डीएनए रिपोर्ट को मानते हैं गधे अब जहां तूने मेरा नाम लिखा था वहां पर अपना नाम लिख दे Four eyewitnesses, male and Muslims, or a confession. So if a person was caught red-handed, his punishment would be to be flogged 100 lashes. And this is only for a virgin. But if a person... तो वर्जन अगर ऐसा करता है तो उसको 100 कौड़े मारे जाएंगे और अगर शादीशुदा करता है तो उसको संसार किया जाएगा बट दिस इज नॉट माय टॉपिक कि क्या किया जाएगा माय टॉपिक इज के कैसे किया जाएगा उसके मुताबिक चार मर्द मुसलमान गवाह चाहिए उसको इसके अलावा कुछ नहीं मानते ये लोग ना वीडियो फुटेज ना डीएनए रिपोर्ट मुझे बता भाई तेरी इस्लामिक शरा में एक रेप विक्टिम लड़की को इंसाफ कैसे मिलेगा भाई जब उसके साथ ये हो रहा होगा तो घर की बात अब चुप है नहीं क्या करेगी वो चीखेगी चिल्लाएगी अगर अगर वो 4 साल की मासूम छोटी सी बच्ची हो तो अगर मुंह बंद कर लिया हो तो उसके साथ तो उसके माँ बाप होते हैं ना नहीं माँ बाप नहीं है बच्ची बाहर खेल रही थी एक आदमी ने अबे गधे ये जो केस अबे गधे ये जो केस हुआ है उसमें भी उसके माँ बाप सुन ले पहले समीर सुन ले एक्सेप्शन मत दे भाई मुझे जो है ना वो सिचुएशन मत दे मैं बोल रहा हूँ ये जो केस हुआ है ना मोहम्मद फहीम का इसको तुमने स्टडी किया नहीं है ये आदमी ने अपने पड़ोस की बच्ची को अपने घर के बाहर से उठाया जब उसके माँ बाप अपने काम में बिजी थे बाहर खेल रही थी इसने उसको उसके घर से किडनेप किया अपने कमरे में ले जा करके उसका रेप किया और उसको मार डाला और उसके प्राइवेट पार्ट से इंटरनल जो ब्लीडिंग हुई है इसने उसको पिया है और पीने के बाद में इस मोहम्मद फहीम को के घर में जब उसके घर वाले लड़की के घर वाले ढूंढने के लिए गए अपनी बच्ची को तब वो बच्ची इसके घर से बरामद हुई लेकिन उसका रेप होते हुए नहीं देखा किसी ने बस वो वहां मरी हुई मिली आपका कहना ये है 4 साल की बच्ची बाहर खेल रही थी मुझे जवाब ये चाहिए इन चार मर्द मुसलमान गवाहों ने नहीं देखा इंसाफ कैसे मिलेगा शामिर कैसे नहीं देखा भाई चार साल की बच्ची क्यों बाहर खेल रही अबे नहीं देखा नहीं थे चार मुसलमान मर्द गवाह उस टाइम पे क्या जाहिल वाली बात कर रहा है शामिर ना मतलब थोड़े से मुझे वो लग रहा है कि ये देखो 4 साल की बच्ची है एक तो उसके कंबलों में उसको पैर खड़ा है घर बच्चों की जिम्मेदारी किसके ऊपर होती है कि उनके माँ बाप के ऊपर होती है नहीं होती कि वो उनको संभाल के रखे हैं आप लोग अपनी आंखों से देख लो कि ये लोग जिहालत की कितनी हदें पार कर चुके हैं कि भाई ये सामने एक केस है जिसकी सुनवाई 73 दिन कोर्ट में हो चुकी है वो आदमी कल्प्रिट गुनाहगार साबित हो चुका है ये हरामजादा अभी भी उसके माँ बाप की गलती बता रहा है बच्ची के उस आदमी को ये गलत नहीं कह रहा और ना ये सुअर का बच्चा जिहादी ये बता रहा है मुझे कि उसको इंसाफ कैसे मिलेगा ये सुअर के बच्चे आते हैं आकर के अपने रसूल अल्लाह के इस कानून को डिफेंड करने का काम करते हैं अब तक ये मुझसे हदीस और तफसीर मांग रहा था अब ये हराम ज्यादा कह रहा है कि वो 4 साल की बच्ची चीखी चिल्लाई क्यों नहीं उसके माँ बाप उसके पास क्यों नहीं थे उसके माँ बाप की गलती है तो देखा दोस्तों यही है असली इस्लाम आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें साथ में बेल बटन भी दबा दें जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे हम आगे भी इसी तरह इस्लाम को एक्सपोज करते रहेंगे वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें इस्लामिक कल्ट से बचें अपना ख्याल रखें जय हिंद वंदे मातरम